चिकनगुनिया टेस्ट रैपिड मेथड से कैसे किया जाता है वो प्रोसीजर देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले तो सब किट्स प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट सब है क्या, नहीं प्रोसीजर कैसे पहले चेक करो। एक किट है चिकनगुनिया का, पेन मार्कर कंपलसरी है, नीडल है, कॉटन स्पिरिट बफर ये सब चीज ड्रॉपर है। तो शुरू करते हैं टेस्ट करने से पहले लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का नाम पहला लिखो, डेट लिखो उसके ऊपर, स्पिरिट से प्रॉपरली स्टराइल कर लो, ड्राई कॉटन से वापस पूछो, पूरा ड्राई होना चाहिए। फिर बफर डालना जरूरी है, दो ड्रॉप। इसके बाद मिनिमम मिनिमम 15 मिनट रुकना है, उसके बाद ये रीडिंग आएगा इधर, ये जो बफर है ये रीडिंग टेस्ट क्या अगर ये होएगा क्रोमेटोग्राफी मेथड से। फिर एक 15 मिनट अपने को रुकने के बाद फिर रीडिंग आएगा। हाँ अभी 15 मिनट हो गए, आप देख सकते हो इधर कि इधर सी कंट्रोल लाइन है, IgG एंड IgM ये आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इधर लिखा है सी मतलब कंट्रोल मतलब नेगेटिव है, अगर IgG में आया होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन वो IgG का मतलब होता है एक 15 दिन पहले या महीना या फिर 1 साल पहले हुआ होएगा तो वो डिटेक्ट करेगा क्रोनिक, और एक्यूट जो है अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ होएगा तो वो एम में आएगा। तो ये तीन कंट्रोल है, अभी ये एक ही कंट्रोल लाइन दिखा रहा है मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है।